हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों के साथ इंगेजमेंट लुक शेयर करने वाली हूँ। आशा करती हूँ कि मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा और आपके लिए हेल्पफुल होगा। सो ज़्यादा बातें ना करती हो, चलो देखते हैं कि इस लुक को मैंने कैसे क्रिएट किया। सबसे पहले मैंने यहाँ पर यूज किया मेकअप रेवोल्यूशन का ब्रो पोमेड, एक एंगुलर ब्रश की हेल्प से लगा ले रही हूँ। ये ब्रो पोमेड मेरा सूख गया था, बट एक हैक्स ट्राई करके मैंने इसे सही से बना लिया। अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि वो हैक्स कौन सा है तो लिंक मैंने प्रोवाइड की हुई है। वो वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होने वाला है, क्योंकि मैंने वहाँ पर काफ़ी अच्छे अच्छे हैक्स शेयर किए हैं। अब इसके बाद मैं यूज करूँ व्यू का ब्रो डिफाइनर, यहाँ से मैंने इस सेट को लिया है ताकि मेरी आईब्रोज बिल्कुल नेचुरल लगे और ऐसा ना लगे कि मैंने कुछ एक्स्ट्रा मेरी आईब्रोज पे लगाया हुआ है। तो बस इसकी हेल्प से मैं सेट कर ले रही हूँ। अब एक कंसीलर की हेल्प से मैं मेरी आईज़ को डिफाइन कर ले रही हूँ, आईब्रोज को। इससे आईब्रोज हमारी काफ़ी ज़्यादा क्लीन लगती हैं, तो इसको मैं लगा के एक ब्रश की हेल्प से ब्लेंड कर ले रही हूँ। कल शाम को काफ़ी प्यारा सा ब्लॉग आया है, तो आप लोगों ने देखा कि नहीं? अगर अभी तक नहीं देखा तो क्या कर रहे हो यार, जाओ जल्दी से देख लो मेरे प्रियादी ब्लॉग चैनल पे। बाय द वे, मैंने लिंक प्रोवाइड कर दिया है मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हो। अब कंसीलर को सेट करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, तो मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ HD कम्पैक्ट, जो कि है फेसेस कैंडा का न्यू लॉन्च। आई प्राइमर के लिए मैं यहाँ पर येलो गर्ल का कंसीलर यूज कर रही हूँ, फुल पिगमेंटेड कंसीलर है। अगर आपको डार्क शक्ल वगैरह की प्रॉब्लम है तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अफोर्डेबल तो नहीं बोल सकती, बट हाँ काफ़ी गुड क्वालिटी का है। तो अगर आपको कितना भी ज़्यादा डार्क शक्ल है, इसे आप लगा लेंगे तो डार्क शक्ल आपका हाइड हो जाएगा। मैंने जितने भी प्रोडक्ट यूज़ किए हैं उन सभी बाय लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी है। अगर आपको कुछ लेना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के थ्रू जाके आप ले सकते हो। मैंने एक कूपन कोड भी दिया है, उसे अप्लाई करोगे तो आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा 10%। तो बस एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से मैं ब्लेंड कर ले रही हूँ। आई शेडो पैलेट के लिए मैंने मेकअप रेवोल्यूशन का स्माइल एडिट आई शेडो पैलेट लिया। यहाँ से इस सेट को पिक करके अपने कंसीलर को अच्छे से सेट कर ले रही हूँ, ताकि बाद में क्रीज ना बने और मेरा आई शेडो लॉन्ग स्टे करे। तो अब बारी आती है इस सेट को पिक करने की। एक फ्लफी ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से मैं मेरी क्रीज में इस सेट को लगा ले रही हूँ। आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से लगा के ब्लेंड करते रहना है आपको। मैं इसे तब तक लगाऊंगी जब तक मुझे मेरा डार्क कलर नहीं मिल जाएगा। और मेकअप रिलेशन के हाइलाइटर एंड आई शेडो पैलेट ऑल टाइम मेरे फेवरेट होते हैं। मेरे पास अधिकांश आई शेडो मेकअप रिलेशन के ही होते हैं, आप लोग देखते ही हैं। तो बस इसको लगा लेना है, ब्लेंड कर लेना है, लगा लेना है और ब्लेंड कर लेना है। आप लोग पूछेंगे कि दी गाउन कहाँ से लिया, तो उस गाउन को मैंने मंगाया हुआ है क्लब फैक्ट्री से। अभी इस सेट को थोड़ा सा उस सेट से डार्क है, इसे लेके मैं मेरी इनर वी में लगा ले रही हूँ, ये देखिए, सॉरी आउटर वी पे। तो बस लगा के ब्लेंड कर लेना है अच्छे से। कट क्रीज बनाने के लिए मैंने फिर से यही कंसीलर यूज किया। इसका एप्लीकेटर काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, तो मैं यहाँ पर कोई अलग से ब्रश नहीं यूज कर रही हूँ, इसी एप्लीकेटर की हेल्प से मैं कट क्रीज बना ले रही हूँ, ये देखिए कुछ इस तरीके से। अब एक ब्रश की हेल्प से इसको मैं अच्छे से ब्लेंड कर ले रही हूँ, ताकि ब्लेंडेबल दिखे, कोई हार्श लाइन ना विजिबल हो। अब मैंने एक स्मॉल ब्रश की हेल्प से यहाँ से रोज गोल्ड कलर को पिक किया हुआ है और कंसीलर के ऊपर लगा के अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। इसे मैं तब तक लगाऊंगी जब तक मेरा मनचाहा कलर नहीं मिल जाएगा। ब्रश का आपको प्रॉपर ख्याल रखना है, नहीं तो अगर आप ब्रश बड़ा ले लेंगे या फिर मोटा ले लेंगे तो आप अपना जो आई लुक है वो ख़राब कर देंगे। तो कुछ इस तरीके से आपको लगा के ब्लेंड कर लेना है। अब मैं यहाँ से एक ब्राउन सेट पिक करूँगी कुछ इस तरीके का, ये देखिए। अब इसको इन दोनों शेड के मिडिल में मैं अप्लाई करूंगी, ये देखिए, ताकि अच्छा सा लुक हमें मिल जाए। अब मैंने यहाँ से ब्राउन शेड पिक किया है एंड लोअर लैस के नीचे स्मज कर लिया, ताकि एक स्मोकी इफेक्ट मिल जाए। अब मैंने यहाँ से हाइलाइटर शेड पिक किया हुआ है और इनर कॉर्नर को हाईलाइट कर लिया एक स्मॉल ब्रश की हेल्प से। अब फिर से मैं वही डार्क शेड लूंगी एंड इन दोनों शेड के मिडिल में अच्छे से स्मज कर लूंगी। ब्रो बोन को हाईलाइट करने के लिए मैंने इस वाले हाईलाइटर का यूज किया, जो कि इसी आई शेडो पैलेट में ही है। जैसा कि मैंने बताया, मेकअप रिवोल्यूशन के आई शेडो पैलेट काफ़ी गुड क्वालिटीज के होते हैं, तो अगर आप लोग लेना चाहें तो ले सकते हैं, लिंक मैंने प्रोवाइड कर दिया है। अब पैक का जेल आईलाइनर ले रही हूँ और इसी जेल आईलाइनर के साथ आपको एक ब्रश भी मिला है, तो उसी की हेल्प से मैं यहाँ पर विंग ड्रॉ कर लूँगी। मैं हल्का हल्का लगाऊंगी, क्योंकि
पैक का जेल आईलाइनर काफ़ी ज़्यादा पिगमेंटेड है, तो मैं नहीं चाहती कि मेरा शेप ख़राब हो जाए और कंट्रोल से बाहर हो जाए, तो इसलिए मैं हल्का हल्का सा ही लेके विंग ड्रॉ कर रही हूँ कुछ इस तरीके से। जब एक बार शेप मैं अच्छे से दे दूँगी तो उसके बाद मैं मेरे कलर को डार्क कर लूँगी। तो अगर आप बिगनर हैं तो आप भी ऐसे ही कीजिएगा, नहीं तो पूरा आई लुक आप ख़राब करके रख देंगे। अब मैंने यहाँ पर फॉल्सीज लगा ली है, फॉल्सीज है पैक की सेट नंबर 72। अब मैं यहाँ पर मिलानी का कोलोजल मस्कारा यूज कर रही हूँ, अच्छे से अपर लोअर लैसेस पे अप्लाई कर लूंगी। अब मैं फिर से इसी जेल आईलाइनर को एज अ काजल यूज कर रही हूँ, क्योंकि काफ़ी लॉन्ग स्टे करता है, इसीलिए हल्का हल्का सा ही लगा रही हूँ, ज़्यादा नहीं लगा रही हूँ। तो आई मेकअप हो गया मेरा कंप्लीट, अब बढ़ते हैं फेस मेकअप की तरफ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर जीविका एवोकाडो टोनर यूज कर रही हूँ। अब मैं यूज़ करूँ प्लम का फेशियल ऑयल ब्लेंड, जो कि ऑल टाइम मेरा फेवरेट है। इसे लगाने के बाद आपका फेस काफ़ी अच्छी तरीके से हाइड्रेट प्लस मॉइस्चराइज हो जाता है एंड ग्लोई भी लगता है, तो अगर आप लोग लेना चाहें तो ले सकते हैं। इसको अच्छे से मैं लगा के ब्लेंड कर ले रही हूँ। अगर अब तक वीडियो आपको पसंद आया हो, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो अब तो लाइक कर दो ना यार, क्योंकि काफ़ी टाइम भी तो बीत गया है। आई नो आपको पसंद तो आ ही गया होगा, तो लाइक करके जाना। अब मैंने यहाँ पर पैक का प्राइमर यूज किया है, सिलिकॉन बेस प्राइमर है, इससे आपका मेकअप लॉन्ग स्टे करता है। तो उसको मैं मेरे फेस एंड नेक पे अच्छे से अप्लाई कर ले रही हूँ कुछ इस तरीके से। इसको लगा के अच्छे से ब्लेंड कर ले रही हूँ। इसे लगाने के बाद आपका फेस तुरंत ही मैट हो जाता है, बट एट द सेम टाइम आपका फेस मॉइस्चराइज भी रहता है। अब बारी आती है लिप को मॉइस्चराइज करने की, तो मैं यहाँ पर लिप को मॉइस्चराइज करने के लिए यूज कर रही हूँ बायोटिक लिप बाम। आज मैं यहाँ पर दो फाउंडेशन यूज कर रही हूँ, एक वेटन वाइल्ड का, एक फेसेस कैंडा का। न्यू लॉन्च वेटन वाइल्ड का आपको मैट लुक देता है और फेसेस कैंडा का डोई यानी ग्लॉसी लुक देता है, तो मैं यहाँ पर दोनों लुक चाहती हूँ। इसलिए अब मैंने सबसे पहले वेटन वाइल्ड को लगा लिया, इसके बाद फेसेस कैंडा का एक ब्रश की हेल्प से लगा ले रही हूँ। ब्राइडल मेकअप है, इसे आप रिसेप्शन में भी कैरी कर सकते हो, तो इसलिए मैं मेरे बेस को थोड़ा सा ज़्यादा रख रही हूँ। लगाने के बाद, ब्लेंड करने के बाद काफ़ी प्यारा सा लुक उभर के आता है। अब मेरे ब्रश पे मैं डाल दे रही हूँ प्राइमर वाटर, जो कि मेकअप रिलेशन का है। अब इसकी हेल्प से मैं डैप डैप करके ब्लेंड कर ले रही हूँ, रफ नहीं कर रही हूँ, नहीं तो जितना भी मैंने फाउंडेशन लगाया हुआ है सारा उखड़ जाएगा और ड्राई पैचेज आ जाएंगे। तो सिर्फ आपको डैप करना है कुछ इस तरीके से। अगर आप डैप करेंगे ना, तो आपका फाउंडेशन काफ़ी अच्छी तरीके से सेट हो जाएगा एंड आपका फेस काफ़ी ग्लोई लगेगा। एक बार इस ट्रिक को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। और हाँ, ब्यूटी ब्लेंडर से सेट करना बिल्कुल भी ना भूलें। अब बारी आती है कम्पैक्ट की, तो पूरे मेकअप को सेट करने के लिए मैंने यहाँ पर शुगर का न्यू लॉन्च कम्पैक्ट यूज किया है, काफ़ी अच्छा कम्पैक्ट है। तो इसे मैं मेरे फेस एंड नेक पे अच्छे से लगा ले रही हूँ कुछ इस तरीके से। ब्रोंजर के लिए मैं आज यहाँ पर यूज़ करूँ पैक का ब्लश, बट मैंने सेट मंगाया हुआ है ब्रोंजर, तो एक कंटूर ब्रश की हेल्प से मैं अच्छे से कुछ इस तरीके से पाउट बना के लगा ले रही हूँ। लगाकर मैं इसे ब्लेंड कर ले रही हूँ, इसे फेस का लुक ही चेंज हो जाता है। वैसे तो मेरा फेस काफ़ी ज़्यादा स्लिम है, बट इतना सारा लेयर मैंने मेकअप की लगाई हुई है यानी फाउंडेशन कंसीलर की, तो थोड़ा सा ब्रोंजर यूज़ करना ज़रूरी हो गया था, इसलिए मैं लगा के ब्लेंड कर ले रही हूँ अच्छे से। अब मैं यहाँ पर पल्लाडियो का राइस पाउडर यूज कर रही हूँ, सबसे पहले आइज के नीचे, इसके बाद जहाँ पर मैंने ब्रोंजर का यूज किया हुआ है। इसे यूज करने के बाद आप देखेंगे कि मेरे जो फेस का शेप है वो टोटली चेंज हो गया है एंड फेस काफ़ी ज़्यादा हाइलाइटेड लगता है। हाईली रिकमेंड करूँगी मैं पल्लाडियो का राइस पाउडर, एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। जहाँ जहाँ पर मुझे हाइलाइटिंग की ज़रूरत है, मैं वहाँ वहाँ पर हाइलाइटर की तरह इसे यूज कर लूँगी। अब बारी आती है ब्लश की, तो मैं यहाँ पर ब्लश के लिए यूज़ करी फोकुलर का B07 ब्लश, जो कि पीछे सेट में है। एक ब्लश की हेल्प से स्माइल करते हुए मैं लगा ले रही हूँ, इससे लुक काफ़ी अच्छा आता है। मैं यहाँ पर कोई ज़्यादा डार्क ब्लश नहीं यूज़ करी हूँ, क्योंकि मैं मेरे लिप को बोल्ड रखने वाली हूँ, इसलिए मैंने मेरी आइज़ को काफ़ी सटल रखा हुआ है एंड फेस को भी। अब मैंने यहाँ से इसी हाइलाइटर सेट को पिक किया हुआ एज अ हाइलाइटर, जो कि इसी स्माइल किस एडिट पैलेट में है, मेकअप रिलेशन का किस एडिट पैलेट है। तो इसमें आपको दो हाइलाइटर मिल जाते हैं, बाकी आई शेडो मिल जाते हैं, तो अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से मैं लगा ले रही हूँ, जहाँ जहाँ मुझे हाइलाइटिंग की ज़रूरत है वहाँ वहाँ। इससे मेरा फेस काफ़ी ज़्यादा ग्लॉसी लगता है एंड ग्लोई लगता है।
अब मैं यहाँ पर कलर बार का लिप स्टेन यूज कर रही हूँ, सेड रेड कार्पेट। हल्का हल्का सा सबसे पहले मैं लाइन ड्रॉ कर रही हूँ क्योंकि ये रेड सेड है। अगर हम लाइन नहीं ड्रॉ करेंगे तो थोड़ी सी भी मिस्टेक हुई ना तो लिपस्टिक बाहर फैल जाएगी और इस पर कोई कंट्रोल नहीं होता है। न्यूड सेड को तो हम कंसीलर की हेल्प से सेट कर सकते हैं, बट रेड सेड को वो तो इम्पॉसिबल ही होता है। तो कुछ इस तरीके से मैं लगा ले रही हूँ अच्छे से। देखिए इस लिपस्टिक का लिंक मैंने मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है, अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हो। पूरे मेकअप को सेट करने के लिए मैंने यहाँ पर मिलानी का डूइट सेटिंग स्प्रे लिया हुआ है। एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मैं लगा रही हूँ क्योंकि इसका नोजल थोड़ा सा ख़राब हो गया है तो कहीं कहीं ज़्यादा आ जाता है स्प्रे, इसलिए ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मैं लगा ले रही हूँ। तो अब मैं मेरे बालों को कर्ल कर ले रही हूँ कुछ इस तरीके से। ये देखिए। सो गाइज, ये रहा मेरा फाइनल लुक, कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। और हाँ, ब्लॉग को देख लीजिएगा, लिंक मैंने प्रोवाइड कर दी है मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय, सी यू।